दो लफ्जों का दास्तां है, टूट कर जाना या चाह कर टूट जाना। प्यार प्यार कहाँ रह गए, आज लव होता कल सब होता और बर्जन चटा चट हो जाता। उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। कहीं तो हमरा पे लाइन तो नहीं करूँ मारा। ये तो उनके इतना अच्छा लव स्टोरी के बीच में ब्रेकअप कहाँ से आ गई। बैठ गाड़ी में। गाड़ी का टोली में भी बैठ जाए, बस हमरा प्यार क्या भी। लेकिन इश्क के किस्मत के लकीर के ना बदल जा सके। अब तो दिल नहीं है लगता सनम मेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। हमके प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई बा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आप सबके बीच में तहलका मचाने के लिए एक बार फिर से चिंटू पांडे और काजल राघवानी अपनी सुपर हिट फिल्म होते होते प्यार हो गया लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सब ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे एचडी क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले।
तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं, और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुंच जाती है, और अपने घर में ये नहीं बताती है दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है, और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और वहां पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं, और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती है कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में
जाने के लिए तैयार होते हैं। और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिया गया है, तो देखिएगा जरूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेनली हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं, उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के आनंद रघुराज जी, म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो
बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो है जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे एचडी क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बताती
बताती है दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहां पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर्स से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा कर जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया। पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने, क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर
पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं, उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी, म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशि फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपरहिट फिल्म जरूर देखिए, आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं
चिंटू पांडे और काजल राघवानी की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो है जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है और वहाँ पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों
उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहां पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल लागवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आए दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है
कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा ज़रूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट 2 देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेनली हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं, उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के आनंद रघुराज जी, म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी ही है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर 1 चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म
आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा, तो फिल्म देखिए जरूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा जरूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों। इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे, और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है, और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है, और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का, टाइम का, समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं, और उन पुलिस ऑफिसर्स से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है,
उसके बाद दोस्तों इसके बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा जरूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती हैं कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं
उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर, जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा, और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है, वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह, और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशि फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए, आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए जरूर, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा जरूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी या चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो है
जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन्हें चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सरती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं
आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके इस फिल्म की जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया। पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने, क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब सोच अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती हैं कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था, और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं।
तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया। जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग के बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी ही है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे एचडी क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं
जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज़ कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया। पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है
आ चुकी है। आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है। आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब सोच अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती हैं कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते। काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिश रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट 2 देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे, डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी,
म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा, और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है, वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह, और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है, तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा, जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए जरूर, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा जरूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं। फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो है जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी, और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी, जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे, और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है, और अपने घर में ये नहीं बताती
बताती है दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सरती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आए दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब ज़रूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है
कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब सोच अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म सुनली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट 2 देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा, और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह, और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों
आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सब ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं। या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहाँ पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का, टाइम का, समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों
उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहां पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे है वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सड़ती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती है कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज़ कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आए दोस्तों और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है
कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए जरूर और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर।
तो फिल्म देखिएगा जरूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं। या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे HD क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है और अपने घर में ये नहीं बता आती है दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है और वहाँ पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन्हें चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं और उन पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा कर जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सरती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया के जितने भी गाने हैं रिलीज़ कर दिए गए हैं,
फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा जरूर और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म की जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने, उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आई दोस्तों। और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में, तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने, क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है। आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी, लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा, आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं, तो देखिएगा जरूर और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म
होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग की बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेन लीड हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं। उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के अनंजय रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा, और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों, इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह, और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशि फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये सुपरहिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी फैंस हैं चिंटू पांडे और काजल राघवानी की, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सबके लिए हम जो है इस चैनल के माध्यम से बवाल और सुपरहिट खबर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आप जब इस फिल्म को देखिएगा तो आपको जो है बार बार ये फिल्म देखने का मन करेगा, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब दो बड़े कलाकार एक साथ एक पर्दे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जो है सुपरहिट होनी है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप सबने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, यहाँ आपको भोजपुरी का नंबर वन चैनल एंटरटेन रंगीला मिल जाएगा। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म, आपको पूरा फिल्म जो है देखने मिल जाएगा। तो फिल्म देखिए ज़रूर, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको फिल्म कितनी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को जो है, इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज किया गया तो फैंस जो है लगातार कमेंट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस फिल्म को देखने के लिए। तो इसके प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने इसे ध्यान में रखते हुए जो है दर्शकों के बीच में, फैंस के बीच में, आप सबके बीच में ये फिल्म जो है रिलीज कर दी गई है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि आपको फिल्म पसंद आई या नहीं, या फिल्म में आपको जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की जोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत ही पारिवारिक फिल्म होने वाली है। आप सब अपने पूरे परिवार के साथ इसे अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, थिएटर्स में, या फिर आप अपने घर बैठे फ़ोन पर यानी एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो देखिएगा ज़रूर, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा दोस्तों, इतनी बेहतरीन ये फिल्म है, इतना ज़्यादा इमोशनल इस फिल्म में सीन दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये वीडियो जो काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी ये पूरी फिल्म आप कब और कहां कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं, वो भी पूरे एचडी क्वालिटी में। उसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ आप सबके साथ शेयर करूंगी कि होते होते प्यार हो गया फिल्म में चिंटू पांडे और काजल राघवानी के अलावा
कौन कौन से जो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है, या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आइए पहले जानते हैं इस फिल्म की छोटी सी कहानी जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी होती है वो एक सामान्य परिवार से होती हैं, जिनके पिता का किरदार जो इस फिल्म में अमित शुक्ला निभाते हुए आप सबको नजर आएंगे, और जिनकी माँ का किरदार जो है श्रद्धा नवल निभाते हुए आप सबको नजर आने वाली है। तो दोस्तों दिखाया जाता है इस फिल्म में एक और हीरो कृष्णा कुमार, जो कि आपको सेकंड मेन लीड हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि काजल राघवानी जो है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि काजल राघवानी शादी कर ले। तो उनके लिए कृष्णा कुमार का जो है रिश्ता आता है लंदन से, और कृष्णा कुमार जो है काजल राघवानी के घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, और कृष्णा कुमार को भी काजल राघवानी पसंद आती है। लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है शादी के लिए तैयार नहीं होती है, और वो कहती है कि ऐसा भी कोई लड़का होता है कि बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कर दिया उसने। तो दोस्तों वो शादी मना करने के लिए यानी शादी तोड़ने के लिए जो है लंदन पहुँच जाती है, और अपने घर में ये नहीं बताती दोस्तों कि वो लंदन जा रही है, बल्कि अपने घर में झूठ बोलकर आती है कि वो एग्जाम देने के लिए मुंबई जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें को अगर पता लग जाता उनके पिता, तो उनके पिता जो है काजल राघवानी को कभी लंदन नहीं आने देते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लंदन जब वो आती है तो उनकी मुलाकात जो है चिंटू पांडे से होती है, और पूरी फिल्म जो है लंदन में शूट की गई होती है। तो दोस्तों दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरती है तो वो चिंटू पांडे से टकराती है, और वहां पर जब उनसे टकराती है तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि पटना में ही ऐसे लोग रहते हैं, लंदन में भी ऐसे लोग रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही प्यारी प्यारी नोकझोंक आपको फिल्म में देखने मिलेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि काजल राघवानी अपने रास्ते जाती है और चिंटू पांडे अपने रास्ते जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो है काजल राघवानी लंदन में नई नई आई होती है तो उन चीज़ों का टाइम का समय का कुछ पता नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि शाम के समय जो है पैदल ही घर के लिए निकलती है, लेकिन दोस्तों उनको जो है कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और वहाँ पर जो है तब चिंटू पांडे की एंट्री होती है जो कि उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद दोस्तों जब चिंटू पांडे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो वो काजल राघवानी को देखते हैं और अपनी गाड़ी रोकते हैं, और उन पुलिस ऑफिसर्स से कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे झगड़ा करके जो है घर से आई है। तो पुलिस वाले जो है काजल राघवानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल राघवानी है वो कहती है कि तुमने पुलिस वालों से ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो काजल राघवानी को जो चिंटू पांडे हैं वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तू पूरी रात जो है जेल में सरती। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बीचों बीच दोस्तों वो बताती हैं कि वो किस लिए लंदन आई होती है। उसके बाद दोस्तों इसी बीच में जो है एक बहुत ही प्यारा सा गाना आता है जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप सब जब ये गाना सुनिएगा तो आप यदि ये गाना सुनना चाहते हैं तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला। YouTube के ऑफिशियल जो एंटरटेन रंगीला का चैनल है YouTube पर, इस चैनल पर होते होते प्यार हो गया कि जितने भी गाने हैं रिलीज़ कर दिए गए हैं, फिल्म जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके रिलीज कर दिया गया है। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं होते होते प्यार हो गया ऑफिशियल फिल्म ट्रेलर या फिर ऑफिशियल फिल्म सॉन्ग, तो आपको जो है पूरा देखने मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया एंटरटेन रंगीला के चैनल पर, तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के जो कॉन्सेप्ट थी वो भी दर्शकों ने उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आए दोस्तों, और वो जो है होते होते प्यार हो गया पार्ट टू का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों अभी पार्ट टू का कोई चर्चा नहीं हुआ है, जैसे इस फिल्म के बारे में हमें कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी मिलेगी तो हम सबसे पहले अपने चैनल के
माध्यम से जो है आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है होते होते प्यार हो गया पूरी फिल्म की रिव्यू तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी होते होते प्यार हो गया टू फिल्म के बारे में तो हम वो भी आप सबके लिए जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये फिल्म जो है इतना ज्यादा प्यार दिया ऑडियंस ने क्योंकि इस फिल्म के जब ट्रेलर ही सिर्फ रिलीज किया गया तो ट्रेलर रिलीज करते ही जो फैंस ने प्यार दिया इस फिल्म को, इस फिल्म के ट्रेलर को, जिसे देखकर जो है साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि फैंस जो इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आप सबके बीच में जो ये फिल्म है आ चुकी है, आप सब इस फिल्म को एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिस तरीके के डायलॉग जो है काजल राघवानी और चिंटू पांडे के द्वारा फिल्म में बोले गए हैं वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्पिंग होगा। तो फिल्म को देखिएगा जरूर और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जब चिंटू पांडे और काजल राघवानी की दोस्ती हो जाती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और जब काजल राघवानी साड़ी पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो चिंटू पांडे जो है उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं तो सारे लोग जो है इनको देखते हैं क्योंकि इनकी जोड़ी जो है काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है। तो यहाँ पर उन दोनों डांस करते हैं पार्टी में, जो कि गाना जो है एंटरटेन रंगीला के चैनल पर रिलीज हो चुका है, आप सब जरूर सुन लीजिएगा, आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि जो काजल राघवानी है उनको जो है चिंटू पांडे मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं दोस्तों, और चिंटू पांडे को काजल राघवानी भी पसंद करने लगती है। तो काजल राघवानी जो अपनी बहन को फोन करके इंडिया में बताती है दोस्तों कि एक रिश्ता ठुकराने के लिए मैं लंदन आई थी लेकिन एक अपने साथ जो है एक और रिश्ता जोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है चिंटू पांडे का जो रोल दिखाया जाएगा आप सब अभी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि इतने अच्छे तरीके से फिल्म स्मूथली जा रही थी और फिर वहां पर पता चलता है कि चिंटू पांडे जो है फिल्म में आतंकवादी का रोल निभा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काजल राघवानी को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, वो सोचती है कि चिंटू पांडे भी उनको पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों काजल राघवानी जो है चिंटू पांडे को बात करते हुए कुछ लोगों से सुन लेती है कि हमारे मिशन में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं और कुछ ही दिनों में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चिंटू पांडे दोस्तों काजल राघवानी को नहीं देखे होते, काजल राघवानी सारी बात सुनती है और कहती है कि तुम क्या हो, तुम जिस देश में रहते हो उसी देश के खिलाफ साजिशें रचते हो। तो चिंटू पांडे दोस्तों वहां पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं DDLJ का शाहरुख खान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यानी कि दोस्तों उनके कहने का मतलब होता है कि इतने दिनों से जो सारी चीजें वो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक नाटक था और एक नाटक से ज्यादा बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है फिल्म में आखिर में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जो इमोशनल सीन दिखाया जाता है, इमोशनल गाने दिखाए जाते हैं फिल्म में, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सब जब देखिएगा तो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो चिंटू पांडे होते हैं उनका बहुत ही प्यारा प्यारा गाना आता है। आप सबको अगर ये गाना सुनना है तो YouTube पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल YouTube चैनल पर जो इस फिल्म के जितने भी गाने हैं सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज कर दिए गए हैं तो देखिएगा जरूर और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको गाना कितना ज्यादा पसंद आया। वहीं अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म होते होते प्यार हो गया जरूर देखिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या आपको भी पार्ट टू देखने का इंतजार है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे ये भी कहा कि मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म में आपको कौन कौन से जो कलाकार हैं अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं या फिर यूं कहें कि कौन कौन से वो जो लोग हैं जिनके वजह से ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म के होते होते प्यार हो गया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के स्टार कास्टिंग के बारे में बात करूं तो इस फिल्म में मेनली हीरो में आपको चिंटू पांडे नजर आने वाले हैं, उनके अलावा काजल राघवानी, कृष्णा कुमार, अवधेश मिश्रा, अमित शुक्ला, श्रद्धा नवल, रोहित सिंह, मटरू, खुशी झा और आदित्य ओझा नजर आने वाली है।
उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में अगर मैं स्पेशल अपीयरेंस की बात करूं तो शहर अफसा के साथ एक चिंटू पांडे का बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही कहते आ रही हूं कि आपको अगर गाने सुनने हैं तो आप एंटरटेन रंगीला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको होते होते प्यार हो गया फिल्म के सारे गाने सुनने मिल जाएंगे, तो गाने जरूर सुनिए। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करूं तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मनीष सिन्हा और शिवांशु पांडे। डायरेक्टर हैं इस फिल्म के आनंद रघुराज जी। म्यूजिक दिया गया इस फिल्म में साजन मिश्रा के द्वारा और जो लिरिक्स दिए गए हैं दोस्तों वो दिया गया आशुतोष तिवारी, धर्म हिंदुस्तानी, यादव राज, रोहित वसीम काजी। उसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतने अच्छे तरीके से कोरियोग्राफ किया है वो है रिंकी गुप्ता, संजय कोरवे और प्रवीण सैलर। एक्सक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के अनिल कुमार सिंह और इस फिल्म के जो बैनर तले ये रिलीज हुआ है वो है यशी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। और आप सबको यदि गाने सुनना है, ये पूरा फिल्म देखना है तो यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए एंटरटेन रंगीला, आपको पूरा फिल्म देखने मिल जाएगा जो कि पार्ट वन पार्ट टू करके रिलीज किया गया है। तो आप सब जरूर देखिएगा, आप सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो यदि आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये सुपर हिट फिल्म जरूर देखिए। आप सबको ये फिल्म जो है काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। धन्यवाद।